नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह। हरियाणा की बड़ी खबरें विस्तार से बताएं, उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की आज की सुर्खियों पर। झारखंड में मंडरा रहा है हांगकांग फ्लू का खतरा, केंद्र ने राज्य सरकारों को कहा सतर्क रहें। जो बोले सो निहाल के जयकारों संग हुआ आस्था के महाकुंभ, झंडे साहिब का आरोहण, झंडा मेले में लगा श्रद्धालुओं का तांता, देश विदेश से हजारों की संख्या में आई संगत। उमेश पाल हत्याकांड में जारी है माफिया अतीक अहमद के परिवार पर कार्रवाई, फरार मां बेटे की तलाश में जुटी हैं टीमें, अतीक की पत्नी पर घोषित इनाम की रकम बढ़ाई जाएगी। फिर लौट सकता है कोरोना का कहर, 11 मार्च को 24 घंटे में सामने आए 500 से ज्यादा नए मामले, 18 नवंबर के बाद ये एक दिन में आए सबसे ज्यादा मामले हैं। अभिनेता सतीश कौशिक की अचानक मौत को लेकर उनके दोस्त विकास मालू पर घूम रही है शक की सुई। सतीश की पत्नी ने भी विकास पर लगाए कई गंभीर आरोप। दिल्ली NCR में रविवार को गर्मी ने दिखाए अपने तेवर, दिल्ली में तापमान पहुंचा 34 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने जताया अनुमान, गर्मी से मिल सकती है राहत, 13 और 14 तारीख को हो सकती है हल्की बारिश। LIC के नए चेयरमैन होंगे सिद्धार्थ मोहंती, सरकार ने MR कमार को नहीं दिया तीसरा एक्सटेंशन। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। 95th ऑस्कर में बजा भारत का डंका, RRR के नाटू नाटू को मिला बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर। द एलिफेंट विस्पर्स से इंडिया के लिए पहला ऑस्कर जीती गुनीत मोंगा। USA द्वारा 2018 में प्रतिबंधित किए गए जनरल को चीन ने बनाया रक्षा मंत्री, केंद्रीय सैन्य आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए जनरल ली। फिर सुर्खियों में आई पाकिस्तान में तोशा खाना गिफ्ट कंट्रोवर्सी, अकेले इमरान ही नहीं कई नेताओं ने भी किया भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग। येस बैंक का लॉन्ग पीरियड खत्म होते ही आंधे मुंह गिरे शेयर, आज शुरुआती कारोबार में शेयर में आई 13% की गिरावट। कट्टर दुश्मन रहे ईरान और सऊदी अरब में हुई दोस्ती, दोनों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित कराने में मीडिएटर बना चीन। भारत और अमेरिका के बाद अब बेल्जियम ने भी टिकटॉक पर लगाया प्रतिबंध, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक को सिक्योरिटी के लिए बताया खतरा। भारत की सहायता से 40 लाख बच्चों को किताबें मुहैया कराएगा श्रीलंका, मार्च 2022 में दी गई थी रियायती ऋण सुविधा। और चलिए अब बात करते हैं अपने हरियाणा की। खबर है फरीदाबाद से, जहां सेक्टर 12 स्थित खेल परिसर में चल रहे खेल परिसर सांसद खेल महोत्सव के दूसरे दिन खिलाड़ियों को दिए गए लंच में एक बड़ी लापरवाही सामने आई। लंच के लिए रखे गए चावलों में खिलाड़ियों ने कीड़ा निकलने की शिकायत की, जिसके बाद आनन फानन में चावल टेबल से हटवा दिए गए, लेकिन खाने की खामियों को लेकर खिलाड़ियों का गुस्सा फूटा। वहीं दूसरी तरफ खेल परिसर में तैनात कर्मचारी ने इस बवाल को लेकर अपना बचाव किया। सुनिए खिलाड़ियों और खेल परिसर कर्मचारी से देश रोजाना के संवाददाता प्रेम खान ने बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा। ओ, हम जब खाना खाने गए, हमारा पूरा ग्रुप गया था खाना खाने, तो उधर वो लिए थे चावल जो कि वो कम पके हुए थे, और वो सुनहरी नाम की कोई वो थी कीड़ी, मतलब कीड़ा वो आया था उसमें। अच्छा, हाँ। तो फिर कुछ खाने में कीड़े मिले हैं क्या? सर, वो हम जब खाने गए थे, हमारा पूरा ग्रुप गया था, तो उधर उसमें सुनहरी करके कुछ कंकड़ वंकड़ कीड़े मकोड़े थे, वो मिले थे उसमें। क्या नाम है आपका? वंशिका। कि इतनी मेहनत करके और फिर वो खाना खाने जा रहे हैं और फिर खाना भी ऐसे मिले, तो ये तो गलत बात है ना, कि बिल्कुल कच्चा सा मिले खाना। आप खिलाड़ी हो, आपको पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, और क्या क्या मिल रहा खाने में? खाने में कुछ नहीं था, बस चावल और दाल थी बस। हाँ, और पानी भी बेकार था। खाना जो बन रहा है ये किस तरह से बन रहा है? गुरुद्वारे का खाने का बनाने का काम गुरुद्वारे का है, सारा सामान गुरुद्वारे का। सिटी मार्केट आता तो सिटी मार्केट से ही होगा। रेट का सर क्या रोल है? प्रशासन की तरफ से कर रखा है कि खाने वाले को। आज जो चावल बनाए गए थे इसमें बता रहे बच्चे कीड़े निकले हैं, मुझे तो नहीं देखा। जो छोटी सुरहरी होती है, घुन बोलते हैं इसको, सुरहरी बोलते हैं। नहीं, हमने तो नहीं देखा। आपने देखा नहीं? नहीं। मतलब कुल मिला खाना यही बन रहा है? खाना यही बन रहा है। तो इतनी बड़ी लापरवाही नहीं है, अगर इतने बड़े इतने सारे खाने में चावल में वो सुरहरी निकल के आ रही हैं, तो आप अब जब हमने देखा नहीं तो सर आप हम क्या, क्यों? हाँ, अगर सुरहरी निकला है तो तब तो गरीब बड़ी गलती है। फरीद
गुजरात के खेल परिसर में चल रहे सांसद खेल महोत्सव में 5000 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। वहां तीसरे दिन कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे। सांसद खेल महोत्सव को लेकर यहां उन्होंने सभी का धन्यवाद किया, पीएम का धन्यवाद अदा किया, पत्रकारों से बातचीत के दौरान कई सवालों के जवाब भी दिए। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कुछ खास सवालों के जवाब लिए देश रोजाना के संवाददाता प्रेम खान ने। सुनिए मंत्री जी ने यहाँ क्या कुछ कहा। सर, सांसद खेल महोत्सव चल रहा है, कल जिस तरीके से जो चावल है उसमें खिलाड़ियों के चावल में कीड़े निकले हैं, सर आप भी आज पहुंचे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा। सांसद खेल उत्सव जो शुरुआत महोत्सव की शुरुआत की है और हमारे लोकप्रिय सांसद केशवपाल गुर्जर जी का धन्यवाद, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का धन्यवाद और तमाम सारे अधिकारी गणों का धन्यवाद जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की इस नीति को आगे बढ़ाने का काम किया। सभी खिलाड़ियों का, खेल अधिकारियों का धन्यवाद, स्वागत करता हूँ। और इस समय इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है लगातार सबके से, कोई ऐसा नहीं है जहाँ पर कोई कार्यक्रम ना चल रहा हो इस क्षेत्र में। ये बहुत बड़ी एक शुरुआत है, पीड़ा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में आदमी तनाव में रहता है, तनाव से मुक्ति मिलती है, बच्चे आगे बढ़ते हैं, शारीरिक इसका लाभ मिलता है। मैं इसको यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक खाने की व्यवस्था है, खाने में सारे अधिकारी बैठे हैं, ये जानकारी जो मुझे मिली है, किसी भी आदमी जो खाने में कोई त्रुटि रही है उसे सुधारा जाए और इस तरह की त्रुटियाँ आगे ना हों, इससे कि बच्चे के स्वास्थ्य को कोई लाभ, कोई बीमारी ना हो, कोई इस तरह का वो ना हो। और इस तरह छोटी जो सोचा है इनको भी देखा जाए, अपने एक अधिकारी कहाँ है तो इसकी जिम्मेदारी दायित्व दें और इसकी जिम्मेदारी के साथ करें। समाज में फैली बुराइयों पर अंकुश लगाने को लेकर खेंडली कंकर गांव ने अच्छी पहल की है। नूह मेवात जिले के इंद्री ब्लॉक और रोज कामेव थाना क्षेत्र के अंतर्गत खेंडली कंकर गांव में रविवार को समाज सुधारक कमेटी का गठन किया गया, जहां गांव की सरपंच अफसाना और उनके ससुर पूर्व सरपंच हाजी सोहराब खान की अध्यक्षता में रोज कामेव थाना SHO तरुण दहिया की मौजूदगी में पंचायत के दौरान करीब 15 अहम फैसले भी लिए गए। देश रोजाना के संवाददाता सोनू वर्मा ने इस मौके पर इनेलो के वरिष्ठ नेता और पूर्व सरपंच हाजी सोहराब खान और रोजकामेव थाना SHO तरुण दहिया से बातचीत की, आइए सुनाते हैं आपको। मैंने अभी रोजकामेव थाने में भी ज्वाइन किया है, तो मैंने अब कुछ सरपंचों से मैं मुलाकात कर रहा हूँ, गांव-गांव के बुलाए सरपंचों से बात कर रहा हूँ और कल भी मैंने बुलाए थे, 5-7 सरपंच आए थे जिनमें सोहराब आए थे, साजिद भाई था, रोजकामेव उसके सरपंच थे, वो 4-5 सरपंच थे। तो वहाँ डिस्कस किया गया बुराइयों के बारे में क्या कर सकते हैं, इन्होंने भी अच्छी पहल की बात की। तो ये बोला जी कल मैं अपने गांव से ही बुराइयों के लिए अपने गांव को इकट्ठा करता हूँ, जो नशा है नशे को दूर करने के लिए गांव में कमेटी बनाएंगे, गौकशी है आपस में भाईचारा कायम करने के लिए कमेटी बनाएंगे और उनके नियम बनाएंगे। वो आपको उन्होंने बता भी दिया सरपंच साहब ने पहले ही, 10-12 पॉइंट हैं, वो पॉइंट आपको भी दे जाएंगे, हम भी देंगे और हम भी अपने आप प्रोत्साहन उसको बात को पहुँचा देंगे। हर चीज़ उस कमेटी तक बात आएगी गाँव की, फिर भी कमेटी तक वो बात नहीं मानी जाएगी गाँव, तो हमारे पास पहुँच जाए और हम इस चीज़ में गाँव का पहल करने वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और पुलिस प्रशासन इतने पूरा साथ रहेगा। इसकी गलत लत पड़ने की वजह से कोई चोरी कर लेता है, कोई जुआ खेल लेता है तो हालात ज्यादा खराब होने लग गए। तो मैंने देखा कि भाई इस पे अंकुश लगना चाहिए, तो मैं कल थाना रोज का मैं गया अपने हमारे अभी नए इंस्पेक्टर साहब नए आए हैं, अभी 10-5 दिन हुए आए हुए, तो मैंने जनाब से मुलाकात की और उनके साथ में हमारे रहवासन से युवा साथी हमारे भाई साजिद सरपंच भी वहां थे और रोज का मैं उसे धौना सरपंच भी वहां थे, एक दो और सरपंच थे। हमने बैठकर जनाब से रिक्वेस्ट की, जनाब इस बुराई पे कैसे अंकुश लगाया जाए, तो राय मशवरा करके मैं जनाब मैं शुरुआत करता हूँ हमारे इंद्री ब्लॉक में रोज का मेव थाने में हमारा गांव आता था, हम अपने गांव से शुरुआत करते हैं पहले। तो मैंने इस एवज में सारे गांव को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके जो बुराई है, जो समाज में जो बुराई फैल रही है उन पर रोक लगाई, एक कमेटी बनाई गई है। हमने जो कमेटी बनाई उसके नाम भी उनको आप नामों को भी आपको देंगे और जो हमारा जो मांग पत्र था जिसमें
15-16 बुराई है पॉइंट टू पॉइंट, वो सब आपको लिखित में देंगे, तो इंशाल्लाह हमारी पहल अच्छी रहेगी और हम अपने गांव को। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे ओवरलोड डंपरों की पहली पसंद बन चुका है, क्योंकि यहां ना तो डंपर चालकों को पुलिस का खौफ है न ही आरटीओ का। शाम ढलते ही इस रोड पर एक साथ दर्जनों ओवरलोड डंपर फर्राटे से दौड़ते हुए नजर आते हैं। हालांकि यहां जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं निगरानी के लिए, फिर भी ओवरलोड डंपर नूह होडल कट से उतर कर नूह सोना और होडल की तरफ आसानी से निकल जाते हैं। ओवरलोडेड व्हीकल्स के लिए गाइडलाइंस तो तमाम है, लेकिन सब सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं, जिनका धरातल पर उतरने का सभी को इंतजार है। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने चुनावी प्रचार की कमान फरीदाबाद में सौंपी है डॉक्टर अशोक तंवर को। उन्होंने ये कमान संभाली और सेक्टर 23 में डॉक्टर अशोक तंवर ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर अशोक तंवर ने फरीदाबाद की 45 नगर निगम वार्डों में पूर्ण रूप से जीत का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में पहुंचे देश रोजाना के संवाददाता प्रेम खान, जिन्होंने आप तक पहुँचाए हैं डॉक्टर अशोक तंवर के संबोधन के कुछ खास अंश। में सदस्यता अभियान शुरू किया है, एक महीना ये सदस्यता अभियान चलेगा 10 अप्रैल तक, और इस बीच में हर गली मोहल्ले हर घर घर जाएंगे हम लोग। 10 लाख लोगों को आम आदमी पार्टी और अरविंद जी की सोच के साथ जोड़ने का हम लोग काम करेंगे। और मिस कॉल नंबर है 76588000। योजनाओं का लाभ नहीं पहुँचता, पानी नहीं पहुँचता, कुछ नहीं पहुँच रहा है। क्या दोबारा नगर निगम में मटके फूटेंगे? नगर निगम में तो मटके आने वाले टाइम में बीजेपी को फोड़ेंगे लोग, तो बीजेपी को फोड़ेंगे, उनसे हिसाब किताब बराबर। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात कल की बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, कुछ खास देखना चाहते हैं, किसी खास विषय पर जानकारी चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी के लिए नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।